नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, कैथवाड़ा थाना पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चला रखा है। इसके तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़कियों की शादी कराने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी के 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जहाँ DSP के निर्देशन पर कैथवाड़ा थाना पुलिस द्वारा आरोपियों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जहां फर्जी मैरिज ब्यूरो संचालित कर गरीब लोगों से ठगी करते थे आरोपी। आरोपियों की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित था, जहां मुख्य आरोपी सैकुल पुलिस की गिरफ्त से अभी चल रहा है फरार। गिरफ्तार पांचों आरोपियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। कैथवाड़ा थाना क्षेत्र के नीमला गांव में सर्च ऑपरेशन चलाकर कैथवाड़ा थाना पुलिस ने दिया है कार्रवाई को अंजाम। कैथवाड़ा थाना अधिकारी ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक डीग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कामा व वृत्त अधिकारी पहाड़ी के सुपरविजन व थाना अधिकारी कैथवाड़ा के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा नीमला गांव में दबिश दी जाकर 5,000 रुपए के इनामी आरोपी जैकम पुत्र खैराती, असरू पुत्र खैराती, नसरू पुत्र खैराती, आजाद पुत्र खैराती जातियान मेव निवासियान ग्राम नीमला को गिरफ्तार किया गया है। जहाँ नीमला गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जहाँ साविर पुत्र शमसु जाति मेव निवासी गदड़ावास थाना खो को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिन्हें CO कार्यालय डीग को अनुसंधान हेतु सुपुर्द किया गया है। जहाँ कैथवाड़ा थाना पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चला रखा था, जहाँ पुलिस की गिरफ्त से अभी सैकुल फरार चल रहा है, जो इस मामले में मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। जहाँ डीग SP राजेश मीणा एवं भरतपुर IG राहुल प्रकाश भी फर्जी मैरिज ब्यूरो मामले में गहनता से अधिकारियों को निर्देश देने के बाद कार्रवाई के लिए टीमों का गठन किया हुआ है। जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा पूरे मामले में गहनता से पूछताछ की जा रही है, जहां हजारों लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। जहां भोले वाले लोगों को शादी कराने के नाम पर अपने जाल में फंसाकर उनसे करोड़ों रुपए ऐंठ लिए हैं, लेकिन पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों को धरपकड़ अभियान चला रखा है। जहां मुख्य आरोपी सैकुल को भी पुलिस द्वारा शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जहां DSP ने अलग अलग टीमों का गठन कर रखा है, वहीं DST टीम सहित अन्य टीम भी फर्जी मैरिज ब्यूरो के विरुद्ध अभियान चलाकर सर्च ऑपरेशन में धरपकड़ जा